लगातार चुनावी रुझानों को अभी तक देखें तो स्थिति काफी हद तक साफ नजर आ रही है। एनडीए जो है 297 पर आगे चल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन 230 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। ऐसी परिस्थिति में सर क्या लगता है, किसकी सरकार, एनडीए या इंडिया? देखिए, जब बहुमत की बात करते हैं हम 272 के जादुई आंकड़े की जब बात करते हैं तो वो जो है भाजपा का गठबंधन है उसके पास में है, एनडीए के पास में वो आंकड़ा है कि वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन चूंकि 230 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास भी पहुंचता नजर आ रहा है, ये अभी थोड़ा सा आगे पीछे और हो सकता है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन 10 साल से इंतजार कर रहा है। पहले इसका नाम यूपीए था, अब नाम भर बदला है, वही लोग हैं, वही सारे लोग राजनीति कर रहे हैं, ये मौका नहीं गंवाना चाहेंगे सरकार बनाने का। अभी जिस तरह की खबरें आईं कि सबसे पहले शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू को फ़ोन किया, उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार से बात की, हालांकि शरद पवार ने इस चीज़ों का खंडन किया कि मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, लेकिन अब ये अंदर ही अंदर एक दूसरे को तोड़ने जोड़ने की राजनीति है वो शुरू हो गई है। सर क्या लगता है कि भाई एनडीए का तो साफ है, क्लियर है कि भाई अगर बहुमत में आ जाते हैं और सरकार बनती है तो फिर मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे, क्या राहुल जी प्रधानमंत्री होंगे? देखिए, अब मैंने जैसे आपसे कहा कि अब जोर तोड़ की राजनीति शुरू होगी जी, है ना। जब एनडीए की बात आती तो एनडीए का चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, दो बार से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तीसरी बार है उनकी हैट्रिक की बारी है प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो एनडीए में कहीं भी कुछ भी दाएं बाएं नहीं है, उनकी तरफ से क्लियर है। लेकिन एनडीए में एक शख्स ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनका नाम है नीतीश कुमार, जिनको सोशल मीडिया की बात करें तो पलटू चाचा के नाम से प्रसिद्ध नेता हैं नीतीश कुमार जी। आज भी जो खबर आई कि शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की है, बिल्कुल। तो आप ये समझ के चलिए कि कोई खंडन करे मंडन करे इसका, लेकिन ये बातचीत के दौर शुरू हो चुके हैं और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बने उनके अंदर ये बात तमाम अरसे से गाय बगाए वो कहते रहते हैं, उनके समर्थक कहते रहते हैं, वो उनकी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की, ये प्रलोभन उनके पास जाएगा कि आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, राहुल गांधी को लोग स्वीकार भी नहीं करेंगे, जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी शायद स्वीकार ना करें। तो ऐसे में एक तजुर्बेकार आदमी, लंबे अरसे से मुख्यमंत्री है, राजनीति का लंबा तजुर्बा है, तो ऐसे व्यक्ति कौन बचते हैं, या तो शरद पवार या फिर कौन बचते हैं, नीतीश कुमार, इनके पास ज़्यादा लोग नहीं है। तो नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो तमाम दलों के लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से भी समर्थन ला सकते हैं। मैं ममता बनर्जी की ही बात करने जा रही थी, इस खेल पूरे उसमें ममता बनर्जी का क्या रोल है? देखिए, ममता बनर्जी का जो रोल रहेगा, आप समझिए कि ममता बनर्जी अगर आती हैं इनके गठबंधन के साथ में तो फिर खेला होगा, और खेला होगा तो फिर इनके बीच में क्लैशेज होंगे कि प्रधानमंत्री कौन, नीतीश कुमार या फिर ममता जी या फिर कोई अन्य, कई सारे नाम आएंगे। क्या इस क्लैश का फायदा मोदी जी उठा लेंगे? मोदी जी तो उठाने की जरूरत नहीं, उनकी तो सरकार बनी रही है, उनके पास जो नंबर आ रहा है नंबर गेम है सारा का सारा, या आप सिर गिनिए तो सिर अभी मोदी साहब के पास ज्यादा है, एनडीए गठबंधन के पास ज्यादा है, तो शेफाली उनकी तो सरकार बन रही है, वो कहीं गेम से बाहर नहीं हुए। ये सही बात है कि उनको बड़ा भारी झटका लगा है, महाराष्ट्र में झटका लगा है, उत्तर प्रदेश में उनको झटका लगा है, खास करके अयोध्या में झटका लगा है, जहां उन्होंने सबसे बड़ा झटका जो पूरे देश में माना जा रहा है वो है अयोध्या। अभी करंट मुद्दा है, भगवान राम की वहां पर मूर्ति की स्थापना हुई है, बहुत बड़ा जलसा हुआ है। मैं और शेफाली आपको रोक रहा हूँ, एक ट्वीट आया है, सोनू निगम सिंगर है जाने माने, उन्होंने लानत भेजी है अयोध्या के लोगों को, उन्होंने कहा है कि एक मंदिर के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा, एक बड़ा आलिशान रेलवे स्टेशन, मंदिर से पूरी की पूरी इकोनॉमी को जोड़ के जो मतलब विराट विस्तार अयोध्या का हुआ है, हाँ विराट विस्तार जो अयोध्या का हुआ है, उसके बाद अयोध्या के लोगों ने जो है मोदी का साथ नहीं दिया, भाजपा का साथ नहीं दिया, ये बात उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखी। बिल्कुल, हम एक समय से देखते आ रहे हैं कि राम मंदिर और रामलला के नाम पर वोट पड़ते हैं, सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, और इस वक्त जब रामलला अपने घर में विराजमान हो गए हैं, उस वक्त अयोध्या से बीजेपी का हारना वाकई पूरे देश को चौंकाने वाला है, ये एक इंटरनेशनल खबर बन चुकी है। अब देखिए, अभी उसको हार तो नहीं कहेंगे, वहाँ पे अभी गणना चल रही है, लेकिन कुल मिला के अयोध्या क्या पूरे उत्तर प्रदेश से जिस तरह का संदेश गया है वो भाजपा के हित में नहीं है, वो इस गठबंधन के हित में नहीं है। खास दो ही राज्य थे जिनसे बड़ी उम्मीद थी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, और दोनों जगह से भाजपा की और गठबंधन की जो रणनीति पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है, और इनको अपने बारे में अब विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो मेरे को जीत हार का आंकड़ा बता रहे थे कि पिछली बार से तुलना करें
तो गठबंधन बहुत बड़ी संख्या में पीछे, करीब 56-57 सीटें अभी बैक है, पीछे हैं। और वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो शायद 125 से ज़्यादा सीटें प्लस में चल रहा है। बिल्कुल, 543 सीटों पर हार जीत होनी है, जिसमें से बहुमत जो है 272 पर मिलना है। लेकिन एनडीए जो है बहुमत के इर्द गिर्द पहुंच चुकी है, 24 सीटें फिलहाल वो जीत भी चुकी है, 56 उसके नुकसान पर है। और वहीं इंडिया जो है INDIA, ये गठबंधन जिसको कहते हैं, वो 125 की प्लस पर। देखिए, इस गठबंधन के बारे में बताऊं कि इसको महाठगबंधन का नाम भाजपा ने दिया था अपने हर भाषण में, चाहे मोदी जी हों और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हों, डॉक्टर मोहन यादव हों, अमित शाह हों, सब इसको महाठगबंधन नाम दिया था। और आप देखिए कि उसके बावजूद उनका जादू चलता नजर आया है, वो जो कहीं नहीं थे वो अब हर जगह दिखने लगे हैं। तो राजनीति में कई बार रणनीतियाँ सफल असफल होती हैं, और इस बार जनता की नब्जें मुझे लगता है भाजपा हाथ नहीं रख पाई। भाजपा ने जो चुनाव का तरीका भी रखा था, पारंपरिक चुनाव के तरीके से पूरा सोशल मीडिया के जरिए सोशल से चुनाव लड़ेंगे, तो सोशल मीडिया पे भाजपा को और जो एनडीए गठबंधन है उसको चुनाव प्रचार में सफलता नहीं मिली, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें मिल गई, बहुत लंबे अरसे बाद 40 साल बाद ऐसा हुआ, इस तरह की जो बातें हो रही हैं वो सब ठीक है। लेकिन आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 165 सीटें अभी विधानसभा चुनाव में भी मिली थी, तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे इनको सफलता मिली है, वहाँ इनकी स्थिति अच्छी थी, लेकिन जहाँ और अच्छी हो सकती थी वहाँ बिगड़ गई, जहाँ और बेहतर कर सकते थे वहाँ इनकी रणनीति पूरी तरह से विफल हो गई। तो इसलिए मोदी साहब को, उनके सारे रणनीतिकारों को एक बार पुनर्विचार करना पड़ेगा कि उनसे कहाँ कहाँ चूक हुई। राहुल गांधी जब पदयात्रा पर निकले थे सब उनका मजाक बना रहे थे कि ये पांव पांव पूरे देश को नाप रहे हैं, उससे क्या मिलेगा, और बहुत कुछ हासिल कर लिया है। देखिए, यात्राएं जब भी होती हैं, पदयात्राएं हों, साइकिल यात्रा हो, किसी भी किस्म की यात्राएं, दांडी मार्च से अगर आप शुरू करें देश में, जब भी इस तरह की यात्राएं कोई व्यक्ति निकालता है तो वहाँ का माहौल बदलता है। जब वो यात्रा पे जाता है तो उस इलाके की समस्याओं को समझता है, वहाँ से उनको कई सारे इनपुट्स मिलते हैं, उन इनपुट्स का फिर इस्तेमाल राजनीति में या समाज के लिए किया जाता है। तो राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप थी, राहुल गांधी की यात्रा का कोई औचित्य नहीं है, ये भाजपा कह सकती है, लेकिन उनकी यात्रा के मायने थे ये चुनाव ने साबित कर दिया। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बड़ी सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत चुके हैं, वीडी शर्मा जीत चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान जीत चुके हैं, इंदौर में शंकर लालवानी जीत चुके हैं, अभी तक सर्वाधिक वोटों से शंकर लालवानी जीते हैं। देखिए, इंदौर रिकॉर्ड बनाता है, सफाई का रिकॉर्ड बनाया था, इस बार जीत का सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया, इस तरीके से। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड उन्होंने नोटा का भी बनाया है कि नोटा को कभी इतने वोट नहीं मिले जितने इस बार मिले। जी बिल्कुल, बड़े चेहरे जो मध्य प्रदेश से चुनाव में खड़े हुए थे वो सब जीत दर्ज करा चुके हैं, लगातार रुझान आ रहे हैं। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।